आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीटार क्षेत्र से इनामी नक्सली गिरफ्तार, कई नक्सली कांडों का है वांछित, गिरिडीह एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गावा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार, नाबालिग से दुष्कर्म का है आरोप, भेजा गया जेल। मुफस्सिल क्षेत्र के टीकोडीह में एक शिक्षक पर युवती को भगा ले जाने का लगा है आरोप, गांव में पसरा हंगामा, युवती के परिजनों ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर खोजबीन की लगाई गुहार। और सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट हुआ जारी, छात्र छात्राओं के खिले चेहरे, सफल विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार ने दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। कई कांडों का वांछित नक्सली तूफानदा अब पुलिस के गिरफ्त में है। डुमरी गिरिडीह मुख्य मार्ग पर मांझीडीह चौक से पुलिस ने तूफान को गिरफ्तार किया है। इस बाबत गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने एक प्रेस वार्ता की और मामले की विस्तृत जानकारी दी। कई कांडों का वांछित नक्सली तूफान दा को पुलिस ने दबोच लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। मौके पर एसपी रेणु ने बताया कि कई उग्रवादी कांडों में वांछित तूफान उर्फ तूफान मांझी, उर्फ किशोर चंद्र किस्कू, उर्फ राजकुमार किस्कू, उर्फ अनिल किस्कू, उर्फ किशोर दा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि डुमरी गिरिडीह मुख्य मार्ग के मांझीडीह दुकान के पास वह देखा गया है। सूचना पर डुमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने कार्रवाई करते हुए नक्सली तूफान को मांझीडीह चौक से गिरफ्तार किया है। बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में पीटांट समेत जिले के विभिन्न थानों में उग्रवादी कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। छापेमारी दल में डुमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह, डुमरी अंचल पुलिस निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक सब पीटांट थाना प्रभारी अशोक प्रसाद, पुलिस अवर निरीक्षक उपेंद्र कुमार राय, श्रीकांत ओझा, एएसआई अनीस कुमार पांडे, चंदन कुमार सिंह, नितेश कुमार पांडे, आरक्षी कुमार वर्षराज भास्कर, सुरजीत कुमार सिंह, राजेंद्र यादव, अजित कुमार, रामजी राम, अंगरक्षक राजीव रंजन देव, अमित कुमार यादव, डबराज कुकल शामिल थे। नक्सल संबंधित है, इसमें कुछ दिनों पहले गुप्त सूचना मिली थी कि एक वांछित नक्सल गिरिडीह में जो काफी एक्टिव रह चुके हैं पूर्व में, उनकी सूचना मिली थी कि वर्तमान में किसी पर्टिकुलर स्थल जो मांझीडीह पीरटाड़ थाना अंतर्गत मांझीडीह के निकट उनको देखे जाने की सूचना मिली थी। वहाँ पे हम लोगों के द्वारा रेकी करी गई। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिनका नेतृत्व एसडीपीओ डुमरी के द्वारा किया गया। टीम मेंबर्स के जो नाम हैं और जो जो पदाधिकारी इसमें शामिल रहे हैं वो प्रेस विज्ञप्ति में आपको उपलब्ध कराया गया है। सूचना मिली थी कि पूर्व में एक नक्सल जो वांटेड रहे हैं काफ़ी सारे केसेस में, इनकी एक्टिविटी रही है पूर्व में, पीरटाड़ में तोपचांची एवं टुंडी क्षेत्र में इनका काफ़ी एक्टिविटी पूर्व में रहा है। इनके देखे जाने की सूचना मिलने के उपरांत, गुप्त सूचना के उपरांत इनको अरेस्टिंग के लिए जो टीम बना के गिरफ्तार किया गया है, इनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। इनके विरुद्ध पूर्व में काफ़ी सारे केसेस भी रह चुके हैं, जिनका जिक्र आपके साथ शेयर किया गया है प्रेस विज्ञप्ति के अनुरूप। पीरटाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मांझीडीह करके जो जगह है वहाँ से इनकी गिरफ्तारी की गई है। सब कुछ बरामदगी भी हुई है? नहीं, साथ में बरामदगी नहीं है, परंतु ये इनामी रहे हैं, इनके ऊपर एक लाख का रिवार्ड रहा। एक लाख का इनामी है सर जी। क्या नाम सर इसका? इनका जो नाम है वो किशोर चंद किस्कू है, पर इलियास कई सारे इनके हैं, मतलब कि जो पुकारू नाम है कई सारे हैं, इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, तूफान उर्फ तूफान मांझी, किशोर चंद किस्कू उर्फ राम कुमार किस्कू, राजकुमार किस्कू, अनिल किस्कू के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः ये पूर्व में प्रीतम पतिराम मांझी के दस्ता में ये सक्रिय रह चुके हैं, इनके अलावा रामदयाल महतो के भी दस्ता में ये सक्रिय रह चुके हैं।
बीते 7 जुलाई को थानसिंह डीह में जमुई के गिद्धौर निवासी सुंदरम कुमार से 10,000 रुपए नगद व उसके मोटरसाइकिल और मोबाइल की लूट की गई थी, जिसके बाद लोकायनपुर थाना क्षेत्र के थानसिंह डीह में लूटकांड का उद्भेदन करते हुए गिरिडीह पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी पहले भी कई कांडों में संलिप्त रह चुका है। लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र के थानसिंह डीह में हुए एक लूट कांड का उद्भेदन करते हुए गिरिडीह पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत सोमवार को एसपी अमित रेणु ने बताया कि बीते 7 जुलाई को थानसिंह डीह में जमुई के गिद्धौर निवासी सुंदरम कुमार से 10,000 रुपए नगद, उसके मोटरसाइकिल और मोबाइल की लूट हुई थी। इस घटना को लेकर एसडीपीओ नवीन सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने अनुसंधान करते हुए मामले का उद्भेदन कर लिया और आरोपी पवन कुमार राउत को जमुई से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि अभियुक्त पहले भी कई कांडों में संलिप्त रह चुका है और बिहार के गिद्धौर में इस पर कई कांड अंकित हैं। लूट के 1210 रुपए और मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। थानसिंह डी ओपी अंतर्गत एक घटना को लेकर के है, जो 10 इस महीने के 10 तारीख को एक घटना कारित की गई थी कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम सुंदरम कुमार था, जिनसे हथियार के भय पे भय को दिखाते हुए करीबन 6 से 8 लोगों ने इनके साथ घटना कारित करी थी, जिसमें इनका मोटरसाइकिल 10,000 रुपये और मोबाइल ये लूटे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिनका नेतृत्व एसडीपीओ साहब के द्वारा किया गया है। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी है, जिनका नाम पवन राउत है। इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। फिलहाल इनके पास से बरामदगी का जो सामान है उसकी विवरणी आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ दी गई है। पूर्व में इनका आपराधिक इतिहास रहा है, पूर्व में भी कई सारी घटनाओं में ये शामिल रहे हैं, जिनका संबंध गिद्धौर से रहा है और जो निम्नलिखित जो कांड है वो आपको शेयर किया गया है साथ में प्रेस विज्ञप्ति के। इस कांड में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की भी पहचान की गई है, इनको इनकी गिरफ्तारी के प्रयास अभी जारी है, शीघ्र ही इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, पूर्व में चूंकि आपराधिक इतिहास इनका रहा है तो इस बात से इनकार नहीं है कि ये पेशेवर हैं। पूर्व में भी कई सारी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जैसा कि आपके साथ शेयर किया गया है, ये 302 के भी घटनाओं में शामिल रहे हैं। आर्म्स एक्ट की भी घटनाएं इनके द्वारा की गई है, चोरी की भी घटनाएं की गई है, तो जाहिर तौर पर जो इसमें संलिप्तता आ रही है वो एक प्रोफेशनल के तौर पर ही आ रही है। इनके साथ के जो व्यक्ति हैं इनकी भी पहचान की गई है, वो इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स है इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। इनकी पहचान की गई है, शीघ्र ही इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। लगातार 3 दिनों तक गांवा प्रखंड के 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। किशोरी के लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी फरार चल रहा था, मगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आवेदन के 72 घंटे के भीतर ही दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया है। 16 वर्षीय किशोरी के साथ 3 दिनों तक दुष्कर्म करने वाले युवक को सोमवार की सुबह गांवा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि 3 जुलाई को गांवा थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक ने 3 दिनों तक दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पंचायत में मामले का निपटारा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बात नहीं बनने पर 10 जुलाई को किशोरी ने गांवा थाना में युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद फरार चल रहे आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। इस बाबत गांवा थाना प्रभारी विजय करकेट्टा ने बताया कि आवेदन मिलने के 72 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मेडिकल जांच के बाद उसे गिरिडीह जेल भेज दिया गया है। 10/7/2020 को एक पीड़िता थाना में आई और लिखित प्रतिवेदन दी थी कि वो दिनांक 3/7/2020 को
अपने 11 बजे समय 11 बजे सोच के लिए खेत तरफ गई थी, तो उसी दौरान उसी गांव का एक तालो टुड्डू नामक 20 साल वर्षीय उसको जबरदस्ती पकड़ कर जंगल की ओर ले गया और 3 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में कांड अंकित किया गया था और उसके बाद में पीड़िता का 164 का बयान हम दर्ज करवाए एवं उसकी मेडिकल जांच करवाए हैं और उसके बाद में आज रात को उसकी उस लड़के की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के पश्चात उसको जेल भेजा गया। एसपी अमित रेणु के नेतृत्व में सोमवार को पुराना पुलिस लाइन में साफ सफाई व पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसपी रेणु के अलावे एएसपी दीपक कुमार, डीएसपी विनोद रवानी, डीएसपी 2 संतोष मिश्र के अलावे कई पुलिस पदाधिकारी व कई जवान मौजूद थे। इस दौरान एसपी अमित रेणु ने पौधारोपण व साफ सफाई अभियान चलाने के बाद लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अपील की। मौके पर कहा कि पेड़ पौधे के बिना हमारा जीवन अधूरा है, वहीं साफ सफाई के साथ ही हम स्वच्छ और निरोगी रह पाएंगे, इसलिए मानव जीवन में साफ सफाई व पेड़ पौधे काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए लोगों को कम से कम अपने घर के आसपास एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। अभियान के तौर पे कुछ कुछ थाने जिनको चिन्हित किया गया है एवं पुलिस लाइन ऑफिसेस उनकी स्वच्छता को लेकर के जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसमें थानों में या पुलिस लाइन में टीम्स बना के वृक्षारोपण एवं स्वच्छता के लिए अभियान चलाया गया। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। जैसा कि अभी का माहौल है, बीमारियों का माहौल है, अभी फैल रहे हैं बीमारी, और इससे बहुत ज़रूरी है कि लोग हाइजीन और स्वच्छता पे विशेष ध्यान दें। जिस जगह पे गंदगी है, जहाँ पे कचरा है, वहाँ पे बीमारियों का फैलना लाजमी है, खास करके बरसात के मौसम में। तो हमारे तरफ से यही मुहिम है कि जो भी विशेषकर जो भी थाने हैं जिनको भी हम लोगों ने विज़िट किया है या जहाँ भी देखा गया है कि हाँ यहाँ पे साफ़ सफाई की आवश्यकता है, तो पुलिस कर्मियों के द्वारा एक पहल करते हुए कि हम अपने कैंपस को स्वच्छ रखें, एक मुहिम चलाई गई है जो आगे भी जारी रहेगी। गिरिडीह वासियों को मेरा संदेश है कि आप भी इस मॉडल को अपनाएं, अपने अपने जगहों को स्वच्छ रखें, हमारा साथ दें। खास करके हमारा अपील है कि कोरोना संबंधित या किसी भी अन्य तरीके का कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल ना हिचकिचाएं, पुलिस को अवश्य संपर्क करें, डायल 100 पे संपर्क करें, हमारे पर्सनल नंबर पे संपर्क करें, हमारे ऑफिशियल नंबर पे संपर्क करें, अपनी समस्याओं से पुलिस को अवगत कराएं, आपकी समस्याओं को सुनी जाए। गिरिडीह एसपी अमित रेणु के निर्देशानुसार जमुआ पुलिस ने सोमवार को जागरूकता अभियान चलाया। इस क्रम में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने की भी अपील की गई। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सोमवार को जमुआ पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। इस क्रम में जमुआ थाना प्रभारी संतोष कुमार और पुलिस इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली जमुआ चौक से होते हुए मिर्जागंज खरगडीहा पहुंची। इस दौरान लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान बताया गया कि कोरोना वायरस कैसे लोगों को अपना शिकार बनाता है और इस जानलेवा वायरस से हम अपने आप को कैसे बचाए रख सकते हैं। इस बाबत थाना प्रभारी संतोष कुमार ने कहा कि इस जागरूकता रैली का एकमात्र उद्देश्य लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि लोग साबुन से हाथ धोते रहें, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें और औरों से भी करवाएं। मौके पर थाना प्रभारी के अलावे एसआई अभिषेक रंजन, दीपक कुमार, एएसआई बिरबल सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान उपस्थित थे। Thank you.
बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बार बार तुम्हारी आवाज सुनकर एडिटर बीमारी नहीं कि एक आदमी को हो गया वो किसी के पास रह जाएगा, इसीलिए दिमाग में हमेशा हम याद रखें ये एक महामारी है और ये अभी हाल के दिनों में समाचार में भी आ रहा है, तेजी से फैल रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत में प्रत्येक दिन 28 से 29 हजार के कोरोना संक्रमित महामारी फैल रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के आदेशानुसार जम्मू पुलिस प्रशासन की ओर से कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। जैसा कि देख रहे हैं कि यह बीमारी वर्तमान समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पूरे इंडिया में अभी 28 हजार के दर्श बढ़ रहा है और जमुआ थाना क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। लोगों को जागरूकता रैली के माध्यम से अपील किया गया है कि घर से बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी निकलें और जब निकले तो अपने फेस पर मास्क लगा करके निकलें। मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति निकले और किसी ऑटो या सवारी गाड़ी में 3 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं बैठे, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दुकानदारों से अपील की गई है कि दुकानदारी करते समय या वस्तुओं का लेन देन करते समय सामाजिक दूरी का पालन करें और अपने हाथ हमेशा सैनिटाइज करते रहें। जागरूकता ही बचाव है, हम सतर्क रहेंगे हम अपने आप को बचा पाएंगे तभी आप अपने परिवार को बचा पाएंगे और अपने समाज को और अपने देश को भी बचा पाएंगे। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के निर्देशानुसार पचम्बा पुलिस ने सोमवार को एक अलग ही अंदाज में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक किया। इस दौरान खोटा भाषा में अनाउंसमेंट कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के निर्देशानुसार पुलिस प्रशासन लोगों को लगातार कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को पचम्बा पुलिस ने अलग ही अंदाज में संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया। पुलिस ने खोटा भाषा में अनाउंसमेंट कर सभी से सावधानी बरतने की अपील की। जागरूकता के दौरान सभी से मास्क लगाकर घर से निकलने, अनावश्यक इधर उधर नहीं घूमने, 2 गज की दूरी बनाकर रखने, समय समय पर हाथ धोते रहने आदि की अपील की। इस अभियान की अगुवाई इंस्पेक्टर सहदेव राम और थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह कर रहे थे। इस दौरान समाज सेवी इरफान आलम ने खोटा भाषा में पचम्बा के रज्जाक चौक, कोयरी टोला, गढ़ मोहल्ला, गद्दी मोहल्ला, भवानी चौक आदि स्थानों में लोगों को जागरूक किया। यहाँ तो जनता को बताएंगे कि कैसे हम लोग को जागरूक हैं और आप लोग को जागरूक करने के लिए यहाँ आए हैं। धन्यवाद। आगे खोले है एसपी साहब के कहे के अनुसार पचम्बा के सभी पुलिस हो कि समझावे के समझियो बुझियो। मेरे माँ बहनों धन्यवाद। बाजार हाथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक भीड़ भाड़ ना लगावें और घर से निकले तो मास्क पहन कर निकले, अन्यथा प्रशासन झारखंड राज्य में पुनः सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए मजबूर होकर के लॉकडाउन की स्थिति आवे व इससे चीज को नहीं आने देने के लिए आप स्वतः मास्क लगाएं और अपने सुरक्षित रहें और लोगों को सुरक्षित। हेलो पचम्बा के माँ बहन भाग लोग टोनी से बहुत आग्रह हो कि कोरोना के भयंकर महाकाल प्रकोप को देखते हुए जैसा बीमारी बढ़े कर ऐसा को जाने पर रही इस बीमारियों से बचे वास्ते कम से कम घर में 2 गज दूरी रखी हो, मुँह में नका में मास्क लगाई हो और न लगे तो जिला प्रशासन एक लिए कार्रवाई भी कर दो। महोदय गिरिडीह द्वारा दिए गए आदेश और निर्देश के आलोक में पचम्बा थाना के द्वारा ये जागरूकता अभियान कोरोना कोविड 19 के विरुद्ध में निकाला गया है जो वैश्विक महामारी है और विगत दिनों कुछ रिलैक्स दिए जाने के कारण देखा गया कि पुनः अपने उफान पर कोरोना फैल रहा है और जिसके चलते विगत दिनों देखे होंगे कि झारखंड के 4 पड़ोसी राज्यों में भी लॉकडाउन का स्थिति IR लगाया गया है जिसमें पटना और UP भी शामिल है, तो ऐसा हालात हमारा झारखंड में पुनः उत्पन्न ना हो, लॉकडाउन का स्थिति ना आवे, इसलिए हम लोग प्रिकॉशन के तौर पर पुनः अभियान चला रहे हैं कि मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें
और जब भी सार्वजनिक स्थान में आवे तो निश्चित रूप से मास्क लगाएं, नहीं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सर अगेन लॉकडाउन का कोई ये है क्या? संकेत है क्या? लॉकडाउन का नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन है कि हम लोग, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम लोग लॉकडाउन की स्थिति ना उत्पन्न हो, ना लगाना पड़े, इसलिए हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं और इसमें लोगों को जागरूकता अभियान कर रहे हैं और कोरोना के विरुद्ध में सतर्क कर रहे हैं। ये फल बनाएंगे, आशा है कि आप लोगों के सहयोग से सफल निश्चित होगा। CBSE 12वीं का रिजल्ट सोमवार को घोषित हुआ तो छात्र छात्राओं की बातचीत खिल उठी। यहाँ के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। विद्यालय परिवार ने सभी सफल बच्चों को शुभकामनाएं व बधाई दी है। CBSE 12वीं का रिजल्ट सोमवार को घोषित हुआ तो इसमें सफल हुए छात्र छात्राओं की बातचीत खिल उठी। यहाँ के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने इस बार की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। शहर के BNS DAV विद्यालय के विद्यार्थियों का दबदबा देखने को मिला। खासकर छात्राओं ने विज्ञान और वाणिज्य दोनों संकायों में अपना शानदार प्रदर्शन किया। बताया गया कि विज्ञान में प्रिया कुमारी 96.4% अंक लाकर टॉपर रही, वहीं सुप्रभात कुशवाहा 96% अंक लाकर दूसरे स्थान पर रहे। समीक्षा कुमारी ने 95.8% अंक लाकर थर्ड टॉपर का खिताब अपने नाम किया। इधर वाणिज्य वर्ग में खुशी अग्रवाल ने 97.6% अंक प्राप्त कर पहला स्थान झटक लिया तो ईसा जैन 96% अंक लाकर दूसरे स्थान पर काबिज हुई। राधिका मुसद्दी ने 95.2% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान अपने नाम किया। इधर सुजल कपिसवे ने भी 95.2% अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर सफल छात्र बने। हम बोलता है सब्जेक्ट वाइज बता दें, लेकिन खाओ भी एक मिनट है। रुको, टीचर्स, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, मुझे बहुत मोटिवेट किया है और तब जाके मैंने ये काम हासिल किया। मुझे आगे जाके एक डॉक्टर बनना है और उसके लिए मैं अभी फिर लगी हुई हूँ। यह सुनना है, मैं 95.4% आई हूँ इस साल बोर्ड में। मैं BNS DAV स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं आगे परसू करना चाहती हूँ मेडिकल के लिए, नीट की तैयारी कर रही हूँ और सोच रही हूँ, कोशिश है इस साल मेरा मेडिकल में हो जाए। मैं अपने सारे टीचर्स, मधुरिका मैम, देशमुख सर, सारे टीचर्स को अपना ये क्रेडिट देना चाहती हूँ और अपनी मम्मी पापा भाई बहन सबको मेरे सपोर्ट के लिए क्रेडिट देना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। मुझे 95.2% आया है। मैं अभी IIT की तैयारी कर रही हूँ और मैं अपने सफलता का पूरा क्रेडिट अपने माँ बाप और अपने परिवार को, अपने सभी टीचर को देना चाहती हूँ। मेरा नाम समीक्षा कुमारी है, मैं BNS DAV पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ। मैंने साइंस स्ट्रीम में 95.8% स्कोर किया है। मैं इस रिजल्ट का पूरा क्रेडिट अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स को देना चाहती हूँ। मेरा आगे का एम नीट क्लियर करना है और एक अच्छा डॉक्टर बनने का है। मेरा नाम खुशी अग्रवाल है, मैं BNS DAV में पढ़ती हूँ। इस बार मैंने स्टैंडर्ड 12 की परीक्षा दी, इसलिए 95.6% आए हैं। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल, अपने प्रिंसिपल सर, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे बहुत सभी लोग जिन्होंने मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं आगे CA परस्यू करना चाहती हूँ। मेरा नाम ईशा जैन है, मैंने 96% लाया है। मैं आगे CA करना चाहती हूँ और 98% का सारा क्रेडिट्स मेरे मॉम डैड को जाता है। मेरा नाम सुजय कपूर सिंह है, मैं कक्षा 12 से अभी पास किया हूँ कॉमर्स में से और मेरा 95.2% आया है। मैंने स्कूल में किस तरह स्थान प्राप्त किया है, मैं इसका श्रेय रहमान सर और अपने स्कूल के शिक्षकों, अपने माता पिता को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैंने बहुत मेहनत किया है इतना अच्छा परसेंट लाने के लिए और मैं SSC का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहूँगा। 12वीं का रिजल्ट हुआ, हर वर्ष की भांति इस वर्ष हमारे विद्यालय का जानदार शानदार रिजल्ट हुआ है। हमारे यहाँ कॉमर्स में 97.6% खुशी अग्रवाल टॉपर रही है, वहीं साइंस में
प्रिया कुमारी 96.4% में टॉपर रही है। साइंस में हमारे यहाँ 48 स्टूडेंट्स 48 स्टूडेंट 90% प्लस मार्क्स लाए हैं, जबकि कॉमर्स में 13 स्टूडेंट को 90% प्लस मार्क्स आया है। हमारे यहाँ कोई भी स्टूडेंट अनुत्तीर्ण नहीं है। इधर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा का CBSE 12वीं विज्ञान एवं वाणिज्य का परीक्षा फल परिणाम 100% रहा। विज्ञान में स्वाति सिन्हा 95.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर रही। वहीं कॉमर्स में जागृति कुमारी 88% लाकर टॉपर रही। प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने परीक्षा फल परिणाम पर प्रसन्नता जाहिर किया, कहा कि यह बच्चों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों का उचित मार्गदर्शन और माता पिता के आशीर्वाद का प्रतिफल है। प्रबंधकारिणी समिति एवं विद्यालय परिवार सफल हुए भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मौके पर सचिव दीपक शर्मा, राजीव सिन्हा, विकास कुमार, राजीव रंजन, अशोक ओझा, अमित दुबे, प्रदीप सिंह, प्रवीण सुम्मी, सौरभ, राजेंद्र लाल बर्नवाल, मृणाल मिश्रा आदि उपस्थित थे। CBSE बोर्ड के द्वादश रिजल्ट निकला है। अपने कुल 136 भैया बहन इसमें परीक्षा में सम्मिलित हुए। अपने द्वादश में साइंस ग्रुप में बहन स्वाति सिन्हा ने 95.6% अंक ला करके अपने विद्यालय का टॉपर बनी है। बहुत ही उनके परिवार को और उसको शुभकामनाएं, अपने आचार्य जी, दीदी जी, अपने विद्यालय परिवार और समाज के सभी की शुभकामनाएं उसको, तो आगे चल के उसका भविष्य उज्जवल रहे, यही हम लोग का हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कॉमर्स में 88% लेकर के जागृति कुमारी एक विद्यालय का टॉपर बनी, उसको भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिवार की ओर से, आचार्य जी, दीदी जी की ओर से और अभिभावक मंदिर की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष अपने विद्यालय का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ है और अथक परिश्रम हमारे आचार्य जी का और भैया बहनों का, यह अथक परिश्रम का ये परिणाम है। हम अपने आचार्य को भी शुभकामनाएं देते हैं कि मन से इस तरह से अच्छा से पढ़ा करके अपने भैया बहनों का रिजल्ट करें और अपने विद्यालय के साथ साथ अपने भैया बहनों का उज्ज्वल भविष्य की मंगल करें, मंगल कामनाएं करें, आगे बढ़ाएं, ये हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसी तरह CCL DAV ने भी प्लस टू में अपना शानदार परचम लहराया है। यहाँ के छात्रा तस्कीन सबा 97.2% अंक लाकर विज्ञान की टॉपर रही। वहीं नैन्सी मंडल 96.2% अंक लाकर सेकंड टॉपर रही है। थर्ड टॉपर के रूप में सोहेल वारसी और मुस्कान कुमारी का नाम सामने आया। वहीं चौथे स्थान पर शुभांगी कुमारी रही है। इधर कॉमर्स स्ट्रीम में प्रणव अग्रवाल ने 96% अंक प्राप्त कर पहला स्थान झटक लिया। वहीं तस्नीम कौसर ने 92.2% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। जय किशोर प्रसाद थर्ड टॉपर रहे हैं। वहीं अमन राज को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। बगोदर में हुए सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद सोमवार को उसके शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि युवक बगोदर से निमिया घाट लौट रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। मामले की सूचना मृतक के परिजनों को नहीं दी जा सकी है। बगोदर में रविवार की शाम एक सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सोमवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल गिरिडीह में कराया गया। हालांकि मृतक के परिजनों को अब तक इस बात की सूचना नहीं मिल सकी है। बताया गया कि बनारस बलिया के रहने वाले परशुराम पांडे का पुत्र पवन कुमार निमियाघाट थाना क्षेत्र के औरैया में पिछले 2.5 साल से रह रहा था। वह किसी कार्य से बगोदर गया था और शुक्रवार की शाम मोटरसाइकिल से वापस निमियाघाट लौट रहा था। बगोदर से निमियाघाट आने के क्रम में एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 108 के माध्यम से घायल अवस्था में पवन को धनबाद PMCH भेजा। इस क्रम में पुलिस ने पवन के दोस्तों को भी इस बात की सूचना दे दी। घटना की सूचना मिलते ही उसके दोस्त धनबाद PMCH पहुंचे, जहां से फिर घायल अवस्था में पवन को बेहतर इलाज के लिए बोकारो स्थित एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सोमवार को पवन का शव गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका पोस्टमार्टम किया गया। पवन के दोस्तों ने बताया कि इन्होंने पवन के घर वालों को मामले की सूचना देने की कोशिश की, लेकिन उसके घर के नंबर पर फोन नहीं लग सका, जिस वजह से उसके घर वालों से संपर्क नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम के बाद पवन के शव को उसके दोस्तों के सुपुर्द कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दिलचंद दास। ये कौन लगते हैं? फ्रेंड का भाई है। क्या नाम था इनका? पवन कुमार पांडे। कहाँ घर था? बलिया बनारस। यहाँ कहाँ पे आए थे? मेरा भाई जो प्रोग्राम करने जाता है ना, तो उसी का साथ दोस्ती हुआ स्टेशन में, तो दो दिन घर आया बिना बताए, उसके बाद फिर अपना मौसा के घर गया, इसी तरह करके 2.5 साल से रहा। कल बगोदर गया था कुछ काम से, तो उधर से लौटते समय बाइक में एक्सीडेंट हुआ, जो दो बैल की लड़ाई हुई। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? हैसलाम। कौन सा थाना पड़ता? बगोदर थाना। मुफसिल क्षेत्र के टिकोडीह गांव में शिक्षक दीनू मरिक पर एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। इस बाबत युवती के पिता सहित ग्रामीणों ने मुफसिल थाने में आवेदन देकर युवती के खोजबीन की गुहार लगाई है। मुफसिल थाना क्षेत्र के टिकोडीह गांव में एक शिक्षक द्वारा एक युवती को भगा ले जाने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर गाँव का माहौल तल्ख है। ग्रामीणों ने इसको लेकर मुफसिल थाने में आवेदन दिया है और युवती के खोजबीन की गुहार लगाई है। इस बाबत अंजुमन सदर मोहम्मद उरऊफ, युवती के पिता समीम अंसारी व अन्य ग्रामीणों ने कहा कि टिकोडीह निवासी कैलाश मरीक का पुत्र दीनू मरीक ने युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। जो है वापस आना चाहिए, हम लोग का यही मांग है कि वापस नहीं आएगा तो मोहल्ला आक्रोश में है, कुछ भी हो सकता है। लड़की वापस दीजिए, लड़का उसको दीजिए, अगर नहीं ऐसा होता है कुछ भी हो सकता है। वो लड़का पहले 1 साल पहले से पढ़ाई करता था, समझे, उसके बाद तब से पढ़ाई ना कर रहा था, छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग को पता चला, रोड में पास होता था देखते हुए बाइक से, अड्डाबाजी करता था, अड्डाबाजी करता था जगह जगह पे। तो हम लोग को पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा बेटी के साथ चक्कर है। उसके बाद मना कर दिया, उसका बाप को भी बोले तो बाप बोला ठीक है मना करें, ठीक है। फिर अचानक से 10 दिन से 15 दिन से आना जाना बंद था, समझे। उसके बाद फिर अचानक से एक कब लड़की को लेके जो 11 तारीख को, हाँ, तो के बजे घटना है? 3 बजे। तो इसका सूचना थाना में दिए? दिए, वही तो आवेदन का आपको। तो प्रशासन क्या बोला है? प्रशासन बोला ठीक है खोजेंगे, लड़की तो बालिग हो चुका है, लेकिन अगर लड़की अगर जबरन गया होगा या राजी से गया होगा तो लड़की मिलने पर बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद समीम अंसारी। लड़का मतलब कि पढ़ाता था, पढ़ते पढ़ते मतलब कि कांड को हम सुने, क्या बहाने जाता था, बहाने ले जाता था, मैंने कि घर से निकला, बोला पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोल जा रहे हैं पचम्बा, तो पचम्बा बोल को निकला तो घर में पूछे कहाँ गए, बोले पचम्बा, पता है। उसी समय से मेरे की गायब। तो आपका यहाँ का सदर का आरोप है कि लड़की को लेकर फरार हो गया? हाँ सुन रहे हैं। तो क्या सत्य बात है? झूठ तो नहीं बोलता, झूठ तो नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है, सत्य बोलता है। आवेदन कैसे दिए आप लोग? सच्चाई सच्चाई बात है। क्या नाम है लड़का का? लड़का दीनू मरीक। आपका क्या नाम हुआ? कैलाश मरीक। मास्टर के साथ में, तो जैसे ये 2 दिन का समय दिए हम लोग इसको लड़का वाला को कि 2 दिन के अंदर में इसको हाजिर कीजिए, अगर 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 आप नहीं बुलाते हैं, अगर हम लोग खोज के लावेंगे तो लड़का को लड़की से निकाह करवा देंगे, कलमा पढ़ाएगा, मुसलमान बना देंगे लड़का को। क्या नाम है लड़का? लड़का का दीनू मास्टर है, दीनू मरीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राउत हुआ। सरकारी प्रावधान होने के बावजूद भी प्रवासी मजदूरों को सूखा खाद्य सामग्री एवं रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे देखते हुए राहुल कुमार दास के नेतृत्व में प्रवासी मजदूरों का एक ग्रुप उपायुक्त से मिला और खाद्य सामग्री और रोजगार उपलब्ध कराने की मांग। प्रवासी मजदूरों को सूखा खाद्य सामग्री एवं रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सोमवार को राहुल कुमार दास के नेतृत्व में प्रवासी मजदूरों का एक ग्रुप उपायुक्त से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि पीरटांड के पालगंज में बाहर से आए प्रवासी मजदूर इन दिनों पूरी तरह से बेरोजगार हैं।
जिससे उनकी माली हालत खराब हो गई है। आरोप है कि सरकारी प्रावधान के अनुसार ना ही सूखा राशन उन्हें मिल रहा है और ना ही रोजगार की व्यवस्था कराई गई है। प्रवासी मजदूरों ने पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव की शिकायत भी की है। यहां पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने इस मामले की जांच कराने की मांग भी जिला प्रशासन से की है। मैं विकास कुमार दास, ग्राम करपदाडी, पंचायत पालगंज, थाना पेट निवासी। हम लोग जितने भी यहां है खड़े, वो सभी हम लोग बाहर के मजदूर हैं, एक दूसरे अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और जहां हम लोग आए हैं वहां कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं कराया गया, नहीं तो जो भी राहत पैकेज जो होता है वो सब कुछ खाने पीने का सामग्री वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया, यहाँ तक कि मास्क और सैनिटाइजर भी नहीं दिया गया है। और आप लोग को मनरेगा से कुछ काम या कुछ कुछ नहीं, तरह कोई चीज़ का भी कोई चीज़ का लाभ कुछ नहीं मिला, और ना आप लोग अनाज उनाज का वितरण कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग जिसे बोलते हैं अपना प्रखंड का जो पंचायत का मुखिया है, वो हम लोग को बोलते हैं भूल जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। और तुम लोग का किस्मत तेज है कि हमारा हेमंत सरकार ले आया, न तो तुम लोग उधर ही मर जाता। इसी तरह से कुछ बहुत तरह का हम लोग बात, कितना लोग आप लोग बाहर से आए हैं? हम लोग इतने भी 45 जन हैं, 45 लोग हैं। अभी आप लोग कैसे भरण पोषण कर रहे हैं? हम लोग अभी बहुत तरह के खाने पीने में दिक्कत हो रहा है। हम लोग किसी तरह से हमारे डीसी साहब के पास आए हैं, यहाँ आपसे देखते हैं एप्लीकेशन दिए, एक बार क्या होता है फिर हम लोग को देखा जाएगा। मैं रामचंद्र कुमार दास, ग्राम करपदाडी, प्रखंड पीरटांड का रहने वाला हूँ। हम लोग होम क्वारंटाइन में बाहर से आए हुए जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, सभी लोग को हम क्वारंटाइन में रखने के बावजूद भी हम लोग को सूखा खाने सामग्री या सैनिटाइजर, मास्क, कोई चीज़ हम लोग को उपलब्ध नहीं कराया गया। और हम लोग अभी 3 महीना हो चुका है, हम लोग को ना कोई रोज़गार मिला है, ना कोई सामग्री मिला है। और ये पत्र हम अभी जो अभी देख रहे हैं, ये पत्र हम डीसी को आवेदन दे चुके हैं और हम लोग यहाँ लेके सभी आए हुए हैं। किस पंचायत का मामला है? हम पंचायत पालगंज पंचायत का। कौन थाना? प्रखंड पीरटांग। हम लोग पंचायत पालगंज प्रखंड पीरटांग से हैं। हम लोग कम से कम 45 मजदूर हैं जो दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई से हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग क्वारंटाइन बिता के हम लोग को आज 2.5 से 3 महीना होने वाला है। और हम लोग को आज तक कुछ भी सामग्री हमें मिला नहीं है, हमें चावल मिला गया है, ना सैनिटाइजर, ना कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया अभी तक। और हम लोग परेशान हैं कि हमारे बच्चे भी है, छोटे छोटे घर परिवार भी है, उनका भी पेट ढकना, हमारा रोज़गार भी नहीं मिला अभी तक, कोई रोज़गार नहीं मिला अभी तक। और आज तक जो भी सबको देखने में आ रहा है कि लोगों को जगह जगह पे राशन दिया जा रहा है, रोज़गार दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पीरटांड प्रखंड में जो पंचायत पालगंज में हम लोग को कुछ भी नहीं दिया जा रहा, हम परेशान हैं। तो हमें कुछ आए हैं यहाँ डीसी साहब के पास और वहाँ से आवेदन दिए हैं। हम उन लोग से डीसी साहब से मांग करते हैं कि हमें रोज़गार दिया जा रहा है हमारा, और राशन दिया जाए कुछ हमारे घर परिवार के पेट पालने के। सावन की दूसरी सोमवारी पर गिरिडीह के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का जुटान सुबह से ही होता रहा। शहर और आसपास के विभिन्न शिवालयों में बारी बारी से श्रद्धालु जुटे और विरंची महादेव की पूजा अर्चना की। सावन के दूसरी सोमवारी पर गिरिडीह में भी भक्ति की बयार बहती रही। इस दौरान शहर और आसपास के विभिन्न शिवालयों में बारी बारी से श्रद्धालु जुटे और विरंची महादेव की पूजा अर्चना की। मौके पर माहौल भक्ति भाव से भरा रहा। इस क्रम में शहर के प्रमुख शिवालय दुखिया महादेव मंदिर, नर्मदा धाम, विश्वनाथ मंदिर, अर्घा घाट, सिरसिया सिहोडी स्थित शिवालय आदि स्थानों पर श्रद्धालुओं का जुटान होता रहा। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए कहीं भी भीड़भाड़ नहीं लगाई गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती की उपासना की गई। ये दीजिएगा पेपर वो में। मुँह में नहीं है, इधर रहिए। धीरे से बोलो, धीरे से बोलो।
मेरा तो पूजा करने आ गया क्या कर गिरिडीह अभिभावक संघ के एक शिष्टमंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर डीएवी स्कूल के द्वारा लगातार अभिभावकों को फीस के लिए परेशान करने की शिकायत की है। संघ ने बताया कि सरकार के आदेशों और कोविड-19 के मानकों का उल्लंघन करते हुए डीएवी स्कूल लगातार अभिभावकों को फीस के लिए परेशान कर रहा। गिरिडीह अभिभावक संघ का एक शिष्टमंडल सोमवार को समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा और शहर के डीएवी स्कूल की शिकायत की। इस शिष्टमंडल का नेतृत्व जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा कर रहे थे। वहीं मौके पर महासचिव राकेश कुमार, सचिव संतोष कुमार राय, राम प्रवेश चौधरी, मुकेश चंद्रवंशी, हरमिंदर सिंह बग्गा, दीपक स्वर्णकार, अनिल मिश्रा, विनीता कुमारी, निरंजन राय, प्रकाश दास आदि लोग मौजूद रहे। बताया गया कि डीएवी स्कूल लगातार अभिभावकों और छात्रों को फीस के लिए परेशान कर रहा है, जिससे अभिभावक मानसिक रूप से परेशानियों से जूझ रहे हैं। संघ ने स्कूल पर सरकार के आदेश की अवहेलना और कोविड-19 के मानकों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया है। स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चों गार्जियन को हरास करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों गार्जियन को हरास करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अभी पूरा देश जो है वो कोरोना महामारी से ग्रसित है और इस दरमियान स्कूलों की जो स्थिति है वो सारे लोग जान रहे हैं, क्लासेस नहीं चल रहा है और इस बिहाफ में बहुत सारा ऐसा स्कूल है जो अभिभावक पे दबाव बना रहा है फी को लेकर, क्योंकि अभी बिजनेस भी ठप है, बहुत सारा ऐसा प्राइवेट जॉब है वो ठप है, तो अभिभावक बहुत ज़्यादा परेशान है और इस कंडीशन में अभिभावकों पे दबाव बनाया जाना फी को लेके ये कहाँ तक सही है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार का जो नोटिस है उसकी भी अवहेलना, स्कूल के जो प्रशासनिक जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो लोग कर रहे हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सारे मिलके अभिभावक पे दबाव बनाकर और उनका जो एक जो कमाई का जरिया था वो ख़त्म हो गया है और आप उसके बावजूद भी दबाव बनाकर आप जो फीस वसूलने का काम कर रहे हैं ये सरासर गलत है। पूरे पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से एक आग्रह हम लोगों की तरफ से भी है कि आप अभिभावक पे दबाव नहीं बनाएं और उनकी स्थिति को समझें और जो बीच का रास्ता है जो आपका भी चल जाए और अभिभावक पे भी प्रेशर नहीं पड़े, उस बीच के रास्ते को निकालें और प्रशासन में भी हम लोगों का सहयोग करें, ये आप सबसे आग्रह है। धन्यवाद। जब हम लोगों ने जिला अभिभावक संघ की ओर से डीसी को ज्ञापन दिया, साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी मैडम को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश जो अवगत कराया गया क्योंकि फीस में अभी नहीं लेने के लिए, और यहाँ के स्कूल सारे लोग वो पेरेंट्स को पूरा प्रेशर दे रहे हैं कि फीस जमा करने के लिए, इस अवस्था में आज हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया है और मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी मैडम को भी दिया है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग कहे और जल्द एक लेटर इशू कर सभी स्कूल को यह कहे कि जो राज्य सरकार का दिशा निर्देश है उसका पालन करके काम करते हैं। आज हम लोग अभिभावक संघ के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हम लोगों को डीएवी स्कूल के अभिभावकों के द्वारा ये सूचना मिली थी कि 200 से 300 बच्चों को वहाँ बुला करके पेरेंट्स के साथ
फीस का दबाव दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप फीस जमा करें। कई मंत्री क्वारंटाइन में हैं तो वो डीएवी स्कूल राज्य सरकार के आदेश को क्यों नहीं मान रही है, वो 200 से 300 बच्चों को अपने स्कूल में क्यों बुला रही है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ये पालन क्यों नहीं दिख रहा है, वो बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ को सबको बुला करके वो लोग सारे दायरों को तोड़ रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ जमा होकर डीसी साहब को ज्ञापन दिए और एक ज्ञापन वो डीएससी साहब को दे रहे हैं ताकि स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीटार क्षेत्र से इनामी नक्सली गिरफ्तार, कई नक्सली कांडों का है वांछित, गिरिडीह एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गावा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार, नाबालिग से दुष्कर्म का है आरोप, भेजा गया जेल। मुफस्सिल क्षेत्र के टीकोडीह में एक शिक्षक पर युवती को भगा ले जाने का लगा है आरोप, गांव में पसरा हंगामा, युवती के परिजनों ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर खोजबीन की लगाई गुहार। और सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट हुआ जारी, छात्र छात्राओं के खिले चेहरे, सफल विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार ने दी शुभकामनाएं। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।